हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेवदर उपखंड क्षेत्र में एक ऐसी नदी है जहां हजारों की संख्या में शिवलिंग प्रकट हुए। रेवदर उपखंड से 20 किलोमीटर दूरी पर पामेरा और पोसितरा के बीच में एक नदी है जहां पर हजारों की संख्या में शिवलिंग प्रकट हुए, जो शिवलिंग पुराना महादेव जी का मंदिर है। उसके अंदर जो शिवलिंग है वो करो शिवलिंग नदी में प्रकट हुए हैं, जो हजारों की संख्या में शिवलिंग है। आज हम ऐसी जगह पे आए हैं पामेरा और पोसिंद्रा की नदी के बीच में, श्रीलिंगेश्वर महादेव है, जहाँ इसका राज न किसी को पता है और जिन्हें पता नहीं है वो जरूर दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार है कि आप देखेंगे कि ये जो महादेव जी का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है ना वो बहुत पुराना है, और शिवलिंग का मुख्य राज है कि जो इसके अंदर शिवलिंग है। ऐसी कैसे नदी में हजारों की सैकड़ों में शिवलिंग पड़े हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और हम पहले इससे बात करेंगे जगदीश जी धारेवाल से, जो उसकी जानकार है और उन्होंने ये हमको जानकारी दी है। ये उसका राज किया जो शिवलिंग का। यहाँ पामेरा पोसितरा के बीच में एक मंदिर आया हुआ है, ये जो आपने बताया है श्रीलिंगेश्वर महादेव, उसमें एक भूमिगत चट्टान पर शिवलिंग है जो लगभग जमीन भूमि तल से लगभग 20 फीट के और 30 फीट की दूरी पे होगा, और वो शिवलिंग है। और उसके सीधो सीध में एक श्रृंखला बनी हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग है, और जो प्राकृतिक है, ऐसी बात भी नहीं है कि उनको बनाया गया है। और उससे थोड़ी दूरी पर एक कुंड भी बना हुआ है, जो कुंड उसमें थोड़ी अभी रेत चली गई है, बाकी वो कुंड भी एक राज है। हम आपको दिखाएंगे शिवलिंग कि शिवलिंग कैसा है, उनको पूरा जो नदी के अंदर शिवलिंग है सैकड़ों की संख्या में, ऐसा का ऐसा महादेव जी जो 30-20 फुट ऊपर है, हम जूम करके दिखाएंगे। ये जो शिवलिंग है ना, ऐसे के ऐसे हजारों में शिवलिंग है, और मंदिर के पास भी है, वो भी आपको दिखाते हैं हम। ये एक और शिवलिंग है, आपको दिखाते हैं जो ये शिवलिंग है, जो इसके ऊपर की जो ये परतें निकलती है ना, ऐसा का ऐसा शिवलिंग हजारों की संख्या में इस नदी के अंदर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ताकि आपको पता लगे। और एक चमत्कार है महादेव जी की जो आपको दिखाई देंगे भी, हम आपको उस मौके पे लेके जाएंगे। ये जो मंदिर है उसके 20-30 फुट नीचे गहराई नदी में आपको शिवलिंग दिखाए जाएंगे। जरा कैमरा इधर, ये देखो गोल शिवलिंग है जो ऊपर था महादेव जी के मंदिर पर, ये कुल शिवलिंग है ये सब। ये देखो ये शिवलिंग है पूरे शिवलिंग आरंभ में सैकड़ों नहीं हजारों मानो इस पूरी पहाड़ी पर लेवल में पूरा चला है। आपको पूरे दिखाई, देखो ये शिवलिंग है पूरा, ये भी छोटा है, ये धीरे धीरे पत्थर है ना, ये भी आपको दिखाएंगे कि पत्थर कैसे निकलते हैं और इसके ऊपर ये शिवलिंग की आकृति लेता है। ये क्या राजा, देखो ये भी है पूरा, ये पत्थर अगर निकल जाएगा तो पूरा शिवलिंग हो जाएगा। ये पूरा दिखाएंगे आपको, ये गोल शिवलिंग जो ऊपर मंदिर के अंदर और मंदिर के पास में है शिवलिंग, वो का वो पत्थर है और ये नदी में एकदम हुआ है। और जो आपको दिखाते हैं हम कि ये देखो ये पत्थर से लिया, जैसे कि इसको अपने हटाया ना, ये देखो पूरा शिवलिंग ही है, ये पूरा शिवलिंग की आकृति लेता हुआ। ये देखो पूरा गोल शिवलिंग निकला है, जो ऊपर मंदिर में लगा हुआ शिवलिंग है, ये पूरा शिवलिंग लिया है, आप देख सकते हैं। ये सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में है ये पूरे, ये देखो ये, और मुख्य देखो ये, उससे भी अच्छा शिवलिंग आपको दिखाए जाएंगे। ये देखो पूरे शिवलिंग आप देखने जाते, ये शिवलिंग देखो ये वाला, ये प्रत शिवलिंग की पूरी अंदर से निकलती है, ये भी बाहर आ रहे हैं पूरे। तो ये एक चमत्कार है, और उसका कोई किसी के पास कोई अभी तक तो जानकारी नहीं है कि शिवलिंग कैसे निकले, और कई लोगों को पता नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए मंदिर पर और शिवलिंग के दर्शन करें, और ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें। और हमारे साथ जगदीश धारीवाल है जो हातल से है, और महेंद्र भाई सेन है पामेरा से, उन्होंने ये जानकारी दी। हम मौके पे आए, और पूरा जो महादेव जी का चमत्कार है, जो शिवलिंग है, एक बड़ी बात है, वो पास में एक मतलब पाताल वैली है जो भी इस पत्थर से बनी हुई है। और ये चमत्कार कैसा है क्या, ये तो एक कुदरत की लीला है, तो उसका हम नहीं कह सकते पुष्टि, लेकिन एक बार जरूर दर्शन करने आए और हजारों की संख्या में शिवलिंग एक बार देखें। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।